हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी आम की लौंजी या आम की खट्टी मीठी चटनी। अभी समर्स चल रहा है और ऐसे टाइम पे आम जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और आम की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो इस टाइम पे आप इस तरह की ये खट्टी मीठी तीखी और चटपटी सी चटनी बनाकर या लौंजी बनाकर रख सकते हैं और इसे काफ़ी टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। अब इसे बनाने की करते हैं हम सबसे पहले तैयारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ले लिए हैं 2 कच्चे आम, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और उसके बाद उसका जो छिलका था उसे अलग कर लिया था। अब आम को हम कट करने की तैयारी करते हैं। तो आम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा और मोटा मोटा ही कट करूँगी, क्योंकि जब हम ये लौंजी या चटनी बनाते हैं तो उसके अंदर जो आम की फाँके दिखाई देती है तो वो देखने में भी हमारी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब जिस भी चाहे शेप में या छोटे पीसेज में भी आप इसे कट करके बना सकते हैं। और इसमें जो गुठलियाँ थी उसे हम फेंक देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी ये जो चटनी है बनके तैयार होती है। और आप देख भी पा रहे हैं कि जो फाक है मैंने बहुत बारीक या बहुत छोटी नहीं कट की है, थोड़ी बड़े बड़े से इसके पीस रखे हैं। तो अब मैं इसे बनाने की तैयारी करती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसी के साथ आप देख लें ले लिए मैंने कुछ साबुत मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया सौंफ, धनिया के बीज या साबुत धनिया, थोड़ी सी ले लिया बिल्कुल अजवाइन, थोड़ी सी बिल्कुल मेथी, जीरा, और ये ले लिए राई, और 10-12 ले लिए काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। तो सबसे पहले जितने भी जो सूखे मसाले या खड़े मसाले हैं इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो हमारे मसाले जो हैं कड़वे हो जाएंगे। 1 मिनट तक ये लो गैस पर हम मसालों को भून लेंगे। एक तो इससे जो मसाले हैं उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक मसालों को ना भूने, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो करीब 1 मिनट के बाद मसाले भून गए, उनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा ही हमने जो मसाला था वो पीस लिया था। अब सेम कढ़ाई को मैंने गैस पे दोबारा से चढ़ा दिया और उसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। थोड़े से तेल के साथ जब आप ये चटनी या लौंजी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल 2 छोटे चम्मच मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे हींग। तो हींग की मात्रा आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, इससे जो चटनी है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो तेल हमारा अब गर्म हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी हींग। हींग हमारी जैसे ही तड़क जाएगी इसके अंदर मैं डाल दूंगी कलौंजी। वैसे अगर मैं चाहती तो कलौंजी को उन मसालों के साथ भी पीस सकती थी, पर जब हम ये चटनी या लौंजी बनाते हैं तो उसमें जब साबुत जो हमारी कलौंजी दिखाई देती तो बहुत ही बढ़िया लगती है। अब इन्हें हम थोड़ा सा 10-20 सेकंड के लिए हिला लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी 3 लाल मिर्च, साबुत जो सूखी लाल मिर्च है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा चटपटा भी फ्लेवर दे रहे हैं तो इस पर मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। अब इन्हें हम आधा मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें नहीं भूनना, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो कड़वे हो जाएंगे। इन्हें भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी आम जो मैं हमने कट करके रखा हुआ था। अब इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और उसके बाद जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं या कूट के रखे हैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। अगर फ्रेश मसालों को उसी टाइम आप भूनकर इस चटनी में या लौंजी में डालते हैं तो इससे इस चटनी का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बन के तैयार होती है। तो मसाला जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही यम्मी सी और टेस्टी सी और टेम्पटिंग सी चटनी बनती है। आप इस गर्मियों में इस तरह की चटनी को बनाकर स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे और उसके बाद हम इसे ढककर करीब 5-6 मिनट तक या जब तक हमारे जो आम है वो अच्छे तरह से ना गल जाएं तब तक हम इसे पका लेंगे। क्योंकि कभी भी कोई जब इस तरह की हम चीज़ बनाते हैं जिसमें हम मीठा डालते हैं, मीठा डालने के बाद वो चीज़ें गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, तो इसलिए हम इसमें जो मीठा गुड़ या जो भी चीनी वगैरह डालते हैं वो बाद में डालेंगे। तो 6 मिनट के बाद जो आम थे वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि आम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी के मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये लिया है सॉल्ट पाउडर। आप जब भी ये चटनी या लौंजी बनाएं तो इसमें सॉल्ट पाउडर ज़रूर डालें। सॉल्ट पाउडर डालने से जो चटनी है उसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसके बाद मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक डालने के बाद 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल दूंगी काला नमक। काला नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। तो जितने भी मसाले यहाँ पे मैंने बताए उन सब मसालों को डालकर ही आप ये चटनी बनाएं, तभी जो चटनी है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। अब थोड़ा सा मैंने डाल दिया बिल्कुल 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर।
तो बहुत ही कम इसमें आप हल्दी डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम जो है कच्चा आम लिया था, 350 ग्राम कच्चा आम में मैं डालूंगी 200 ग्राम के करीब गुड़ पाउडर। तो मेरे पास गुड़ पाउडर था, मैं गुड़ पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ है तो आप उसे तोड़कर इसके अंदर डाल दें। आप चाहें तो इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं, पर गुड़ के साथ जब ये चटनी बनाई जाती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे गुड़ के साथ ही बना कर देखें कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। अब करीब इस चटनी को हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2-3 मिनट में ही हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम अब इसे पकाने में नहीं लगेगा। तो अब इसे हम खुला ही पकाएंगे, ढककर नहीं पकाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसे अभी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी और बीच में हम एक बार थोड़ा सा इसे हिलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो 1.5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं जो चटनी है वो अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो इसे अभी हम थोड़ा सा और पकाना है। तो 1-1.5 मिनट में ही जो हमारी चटनी है और बनकर तैयार हो जाएगी। तो करीब 1 मिनट के बाद आप देख रहे हैं जो चटनी है बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो इसे मैंने बहुत गाढ़ा नहीं रखा, थोड़ा सा पतला ही रखा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो मैं गैस को कर दूंगी बंद और हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख भी पा रहे हैं कि चटनी को मैंने बहुत गाढ़ा नहीं रखा, थोड़ा सा पतला ही रखा है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह की चटनी को आप पराठा, पूरी, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उन सभी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। तो मैंने चटनी को निकाल लिया और इस तरह की चटनी को जब कभी भी आप स्टोर करें तो उसे किसी भी प्लास्टिक या स्टील वगैरह के बर्तन में स्टोर ना करें, बल्कि कोई भी इस तरह की कोई कांच की बर्नी ले लें और उसके अंदर इसे डालकर स्टोर कर लें। तो काफ़ी टाइम के लिए हम इस तरह की चटनी को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी सी ये चटनी हमारी बन के तैयार होती है। तो इस गर्मी के सीज़न में आप एक बार इस तरह की चटनी को बना लें और काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।